हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएस ट्रेडिंग टेक चैनल में मैं दिलीप सुतार आपका बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ अभी अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और है ना बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ यहाँ पर मिलने वाली इस चैनल के ऊपर कहीं मिस ना हो जाए उसके लिए आप बेल वाला आइकॉन दबा देना। नाउ अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्टील। अब टाटा स्टील में ऐसी क्या चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज जो समझ लीजिए कि आज है ना टाटा स्टील्स के साथ एक ऐसी चीज अच्छी सी हो चुकी है जो बहुत बड़ा बेनिफिट पॉइंट है। अब ये बेनिफिट पॉइंट क्या है, अब मैं वो चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी देखो, अगर टाटा स्टील का अगर आज देखा जाए तो मार्केट बंद होने के बाद टाटा स्टील के साथ एक कंपनी का अमालगमेशन मतलब मर्ज हो रही है। एक छोटी सी कंपनी है TCIL करके, टीन प्लेट कंपनी करके कंपनी है। इस कंपनी का क्या हो रहा है, टाटा स्टील के साथ मर्ज हो रहा है। तो फिर नहीं, इसमें अभी क्या होगा कि एक आपको फ्री शेयर्स मिलने के लिए भी एक अच्छा सा चांसेस है। फ्री शेयर्स मिल रहा है मतलब कुछ हम लोग को एकदम फ्री नहीं मिल रहा है, खाली हम इसके पैसे दे रहे हैं, लेकिन कंपनी मर्ज हो रही है। दो कंपनी एक कंपनी हो रही है उसको अभी जो मर्ज बोलते हैं, तो फिर इस तरह से होने वाला है ना। अभी टाटा स्टील का जो प्राइस है फिलहाल 132 रुपए के का प्राइस चल रहा है फिलहाल करंटली। लेकिन अभी जो न्यूज आई है उस न्यूज के अंदर देखो क्या लिखा है, उस चीज हम लोग ना अच्छे से देख लेते हैं कि जो 19 जनवरी, ये फिक्स डेट यहाँ पर दे दिया रिकॉर्ड डेट कि अगर है ना 19 जनवरी के दिन हमको TCIL करके जो कंपनी है, मैं आपको बता देता हूँ नाम ये अच्छे से, ये टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड करके जो कंपनी है, तो वो है ना उसका अमलगमेशन होगा 19 तारीख के अंदर। ओके, तो भी ये जो प्रोसेस होने वाला है मर्ज करने के लिए किसका किसका, एक है ना TCIL का और टाटा स्टील का, इन दोनों कंपनियों का मर्ज हो जाएगा। और मर्ज होने के बाद फिर क्या होगा कि भाई है ना किसी कोई भी दोनों में से एक कंपनी रहेगी। ऑब्वियसली टाटा स्टील बड़ी कंपनी है, लेकिन देखा जाए जो टाटा स्टील कंपनी है वो इसकी पेरेंट कंपनी। ओके, ये टीन प्लेट की अगर आप देखो देखो जाओगे तो देखो यहाँ अच्छे से ये लिखा हुआ है कि ये इसकी ना पेरेंट कंपनी। भाई मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ तो आपको मैं अच्छे से सारी चीजें बता दे रहा हूँ, ना तो फिर आप बोलोगे यार ऐसी कहाँ चीजें करके। तो ये ऑलरेडी इसकी पेरेंट कंपनी, लेकिन क्या हो रही है कि दोनों कंपनी को मर्ज कर दिया जाएगा। अब ये टेक्निकल कुछ वर्ड लिखे हैं, द कंपनी विल इशू अलॉट फुल्ली पेड अप शेयर टू दो शेयर होल्डर टू जिसको 33 फुल्ली पेड अप शेयर है और ₹1 इच, ₹10 फुल्ली पेड अप शेयर अप टू 10 इच हेल्ड बाय सच मेंबर इन TCIL। अब मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें नहीं समझी होगी, तो मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में इसको अच्छे से समझा देता हूँ कि ना जैसे कि मान लो कि किसी के पास अगर कितने हैं, किसी के पास अगर मान लो कि अगर है ना 10 शेयर्स है। ओके, किसके, तीन प्लेट के। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसी जिसके पास भी अगर है ना ये ना तीन का शेयर होंगे तो फिर उसको 33 शेयर किसके, टाटा स्टील के मिल जाएंगे। ओके, तो फिर अगर मान लो कि अगर आपके पास अगर है ना 15 शेयर है तो फिर आप है ना उसके अंदर 5 शेयर सेल करके आप उसको 10 कर दो। ओके, या फिर आपको क्या करना है, अगर 15 शेयर है तो आप 5 और ऐड करके इसको 20 कर दो। तो अगर ऐसे कर दोगे तो इससे क्या होगा कि 33 शेयर्स आपको टाटा स्टील्स के मिल जाएंगे। इस तरह से ना दोनों शेयर्स के अंदर आपको ये बेनिफिट होगा। तो फिर है ना आप यहाँ पर अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना, जिस हिसाब से मैंने आपको एकदम टेक्निकली लैंग्वेज जो थी ये यहाँ पे काफी मतलब है ना लोगों को समझ भी नहीं आता क्या है, तो आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है। अभी देखा जाए तो कंपनी के जो रिटर्न्स है फिलहाल है ना आप है ना जैसे देखोगे तो अभी ना मैक्सिमम अभी कंपनी के जो रिटर्न्स अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे रिटर्न्स है, फिलहाल मैक्सिमम रिटर्न्स भी देखा जाए तो कंपनी को कितना 546% मतलब है कम से कम 6 गुना कंपनी का पैसा हुआ है, वो भी कब से, 2006 से लेकर। तो यानी कि मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर इतना ज्यादा तो पैसा नहीं बनता है, लेकिन ठीक है स्लोली स्लोली बन रहा है, फिर भी इतने रिटर्न्स है। ओके है, कोई बैड नहीं, कम से कम कुछ रिटर्न तो है, जैसे कुछ कंपनियों के तो एकदम नेगेटिव जीरो हो जाते हैं, तो उससे तो चलो कंपनी बेटर है। ओके, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का फिलहाल ये जो मार्केट कैप है वो 4,500 करोड़ का फिलहाल मार्केट कैप है। तो ये चीज है ना अब देखा जाए, और बाकी ये जो कंपनी का पीई रेशियो वो 49 है, तो फिर ठीक है ठीक है। लेकिन इसका फेस वैल्यू एक याद रखना कि 10 रुपए का फेस वैल्यू काफी कंपनी के अंदर जो देखा जाए तो अच्छा सा है। तो आप लोग अगर चाहो तो अगर है ना अगर आप इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो 14 प्लेट्स के अंदर चाहो तो फिर है ना आप वो करो या फिर टाटा स्टील में। लेकिन मेरी मानो तो टाटा स्टील क्या है, एक बड़ी कंपनी है,
तो अगर अगर टाटा स्टील के पास अगर है ना, अगर एक बड़ी कंपनी, अगर हम लोग टाटा स्टील्स के अंदर ही हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो फिर वो आप पे डिसीजन मैटर करता है कि आप क्या चाहते हो, या फिर आप टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट कर लो, या फिर आप है ना टीन प्लेट्स के है ना कुछ है ना 10 या 20 शेयर्स या 30 शेयर ऐसे बाय करना। ओके, मल्टीप्लिकेशन 10 होना चाहिए। अगर वीडियो अगर अब अच्छी लगी है तो गाइज है ना फटाफट है ना वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और ना भाई है ना बेल वाला आइकन बेल बटन दबा देना, और वीडियो शेयर कर देना भाई सब लोगों में, और है ना लाइक कर देना भाई वीडियो को अगर पसंद आई होगी ऐसी इंफॉर्मेशन की जहाँ आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। मेरे चैनल पे यही होगा कि आपको बेनिफिट पॉइंट जरूर आपको मिलेगा। और अगर है ना आप क्या चाहोगे, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, आप टीन प्लेट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कमेंट में कर नीचे लिख देना, भाई मैं टीन प्लेट में करूंगा। जो लोग टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो टाटा स्टील में, फिर देखा जाएगा कि दोनों के अंदर है ना सबसे ज्यादा किस कंपनियों के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। तो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ, बाय बाय गाइस।